अरे के पाठक वो जिस विभाग में जाएंगे सबको फेंकेगा, आप वही काम कर रहे हैं ये हमारे के पाठक जी का। आओ जिस डिपार्टमेंट में इससे पहले रहे पता कर लीजिए, सब आपको पता चल जाएगा कि उस विभाग को ये तंग करके रखे। सनातन का विरोध कर रहा है, उसका अंत नहीं होगा, उनका अंत 16 आना तय है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज, मेरा नाम अभिषेक है। बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हरी सहनी आज मुजफ्फरपुर आए हैं। मुजफ्फरपुर में गरीबनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की है, उनका भव्य तरीके से स्वागत किया गया है और पूजा अर्चना भी की गई है। आप देखिए किस तरीके से माला पहनाकर स्वागत किया गया है और सेल्फी लेने की भीड़ उमड़ी हुई है। हरी सहनी जी, सेल्फी लेने के लिए लोग उमड़ गए हैं, रात में है 10 बजे आप घूम रहे हैं। मंदिर में आया हूँ दर्शन करने के लिए, बाहर में जो सनातनी है उन्हें इस जगह से रिश्ता है और जिनको इस जगह से रिश्ता होगा उनको देश के सबलता से भी रिश्ता होगा, देश के सुरक्षा से भी रिश्ता होगा। अच्छा, कुछ लोग विरोध कर रहे हैं राम मंदिर का, उनका अंत की बात आप कह रहे थे, कैसे होगा अंत? मैं थोड़ी कहा हूँ कि अंत होगा, ये धरती साक्षी है, चाहे वो सतयुग हो, द्वापर हो, त्रेता हो, हर युग में जो सनातन का विरोध किया है इसमें हमारे बहुत संत, मतलब देश की आज़ादी में 10 लाख से अधिक पूर्वज और बंटवारा में उससे दुगुना शहीद हुए थे, लेकिन अपने सनातन के रक्षा में लाख नहीं लाखों लाख संत शहीद हुए, चाहे वो महिषासुर के द्वारा हो या फिर कृष्ण के द्वारा हो या फिर कंस के द्वारा हो या फिर रावण के द्वारा हो, शहीद हुए। आज जो इस स्थिति में है हमारा सनातन धर्म, बहुत संत को कुर्बानी देना पड़ा है, तो जब इतने का अंत हुआ तो जो अभी सनातन का विरोध कर रहा है उसका अंत नहीं होगा, उनका अंत 16 आना तय है, लेकिन पहले परमात्मा के शस्त्र के द्वारा हुआ था। अब चूंकि ये जनता से शक्ति लेकर के जनता के विरुद्ध काम करते हैं इसलिए इनका भी अंत होगा, लेकिन शस्त्र से नहीं होगा। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, गरीबों के मसीहा, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में ईवीएम का बटन दबा करके इसका अंत होगा, ये 16 आना तय है। एक अंतिम सवाल है, बिहार के शिक्षक 20 जनवरी से भूख हड़ताल करने वाले हैं, क्या आप लोग समर्थन करेंगे इसको? के पाठक के खिलाफ कर रहे हैं। अरे के पाठक वो जिस विभाग में जाएंगे सबको अरे सुधार का मतलब डॉक्टर के यहाँ हम जाएं तो जहाँ ऑपरेशन करना है वहीं ना ऑपरेशन करना होगा, या कि पूरा बदन चीर दीजिएगा आप, वही काम कर रहे हैं ये हमारे के पाठक जी। पूरे शिक्षा जगत को जो है सारे शिक्षकों को तबाह करके रख दिए हैं। हम कहते हैं भैया आप जहां बहाली हुई है उसमें जो आपको दिखाया जा रहा है कि इस जगह पर गलत हुआ उसको ठीक करने का आपको नोटिस भेज दिया जाएगा, आप भी खिलाफ बोल रहे हैं, भेज दिया जाएगा नोटिस? तो हम अकेले थोड़ी है, अकेले थोड़ी है भाई, ये पूरे बिहार के जनता है जो ये देख रही है कि जो हमारा छुट्टी कैसे काटा गया, किसी को कैसे जोड़ा गया, शिक्षक को छठ के दिन भी शिक्षक ड्यूटी स्कूल में ड्यूटी करेंगे, ये सब क्या है, ये क्या है, ये नटंकी नहीं तो और क्या है? इसलिए उनके हाथ में जो डिपार्टमेंट जाएगा, आओ जिस डिपार्टमेंट में इससे पहले रहे पता कर लीजिए, सब आपको पता चल जाएगा कि उस विभाग को ये तंग करके रखे हैं। आंदोलन को समर्थन करते हैं कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल आंदोलन का समर्थन करूंगा, आप साथ रहेंगे? अरे समर्थन नहीं किया तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शहीद हुए, लाठी डंटा खाए, तब जाकर के हमारे शिक्षक थी शिक्षकों को, इसलिए भारतीय जनता पार्टी हर स्तर पर जो है। तो आपने क्या कुछ कहा है अंत होने की बात को लेकर भी उन्होंने कहा है और साफ साफ कहा है कि ईवीएम के माध्यम से राम मंदिर और जिन सनातन का जो विरोध करते हैं उनका अंत ईवीएम करेगा, जनता ईवीएम के माध्यम से करेगी। वहीं बिहार के शिक्षकों को लेकर साफ साफ बीजेपी ने कह दिया है बिहार के शिक्षकों का समर्थन करती है और शिक्षक अगर आंदोलन करेंगे तो उनके साथ बीजेपी रहेगी, बीजेपी भी उतरेगी। वहीं नोटिस को लेकर भी कई अन्य बातों को भी कहा है। तो मैं लाइव सिटीज के साथ